हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। देखो भाई, एक सिंपल सी बात अगर आप कैच कर लोगे ना पहले ही मोमेंट पे, तो ये वीडियो आपको बहुत इजी लगेगी। अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो फॉरेन इनकम से कोई कनेक्शन नहीं है, और अगर मुझे नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है टोटल, तो उसमें फॉरेन इनकम भी ऐड करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है ना। तो डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में यही फर्क है कि डोमेस्टिक इनकम में फॉरेन इनकम भी जुड़ती है, तो नेशनल इनकम बन जाती है। और फॉरेन इनकम को फॉरेन इनकम ना बोल के इस तरह से लिखा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट का क्या चक्कर है भाई? जितनी कमाई उसमें से जो खर्च दी, सपोज बाहर से आपने कमाई 100 रुपए और खर्च दी 20 रुपए, यानी दे दी बाहर टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आप 100 रुपए लाए, टू अब्रॉड 20 रुपया दिया, तो नेट इनकम कितनी हुई? 80 रुपए। सिंपल है ना, बस यही और लिखा है। पिछली वीडियो में आपको मैंने समझा ही दिया था ये रिटेन अर्निंग्स वगैरह का चक्कर, अब एक चक्कर मैंने आपको और समझा दिया। बस इतनी सी बात आपने समझ ली तो अब कुछ भी नहीं है, पढ़ते चले जाओ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, याद रखना फ्रॉम अब्रॉड लेना है, नेट लेना है, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। फैक्टर इनकम की हम बात करें, फैक्टर इनकम आप अच्छे से समझते हैं, कोई नई चीज नहीं है। नेट लेना है, नेट का मतलब बाहर से जो आएगी इसमें से इंडिया से जो बाहर जाएगी वो माइनस करनी है। मैंने कहा ना, बाहर से मैंने कमाए 100 और मैंने खर्चे 20, तो 80 आ गई, तो नेट। फैक्टर इनकम की बात हो रही है फ्रॉम अब्रॉड, नेट कितना आया बाहर से, होने को उल्टा भी हो सकता है, मैंने कमाया 100 और खर्च दिया 300, तो NFIA -200 भी हो सकती है, जो भी है। खैर, फिलहाल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझना है। सो इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कई बार इसको ROW भी लिखा होता है, हाँ जैसे ये लिखा है। सो इट रेफर्स टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं सिर्फ फ्रॉम वर्ड के ऊपर स्ट्रेस करूंगा, और एंड द फैक्टर इनकम पेड टू, हाँ मुझे रिसीव्ड को भी करना चाहिए था, रिसीव्ड फ्रॉम, है ना, ये बात कर रहे हैं हम रिसीव्ड फ्रॉम की, एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो आया और जो गया उनका डिफरेंस। तो NFIA क्या हो गया? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब माना मैं फॉरेन कंट्री जॉब करने चला गया 2-4 महीने, तो वहां से कमा के लाया ना, बाहर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, वहां से रेंट कमाया ना, वहां मैंने जो है किसी को लोन दिया हुआ, तो इंटरेस्ट कमाया ना, फैक्टर इनकम कमा रहा हूं इंडिया में, लेकिन बाहर से कमा रहा हूं, दैट इज माई फॉरेन इनकम, दैट इज फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। होने को उल्टा भी हो सकता है कि मैंने किसी फॉरेनर को इंडिया में जॉब पे रखा हुआ है, तो वो पैसा मेरा बाहर ले जाएगा, मैंने बाहर से लोन लिया हुआ उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, वो पैसा बाहर चला जाएगा, मैंने प्रॉपर्टी जो है वो किसी फॉरेनर से खरीद के रेंट पे ली हुई है, उस वो पैसा मेरा बाहर चला जाएगा। सो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड नेचुरली ये तो ऐड होगा नेशनल इनकम में, एंड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो बाहर चला गया वो तो माइनस हो गई, है ना। वैसे ये रिसीव्ड को मैं पॉजिटिव कर देता हूं ग्रीन लैंग्वेज में, है ना, तो रिसीव्ड फ्रॉम तो हो गया पॉजिटिव ग्रीन, और पेड टू हो गया एक तरह से माइनस। तो NFIA क्या हो गया? फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। सिंपल समझने के लिए इसको इंडियन समझ लो, कि इंडियंस जो है बाहर से कमा रहे हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे फिर वो वेजेस हो, सैलरीज हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, रिटेन अर्निंग्स हो, है ना। अब ये फैक्टर इनकम के अंदर इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखा, चेंज कर दिया, वेजेस को वेजेस एंड सैलरीज कर दिया, रेंट इंटरेस्ट ये आपकी पहचानी हुई चीजें, और प्रॉफिट को इन्होंने, क्योंकि टैक्स तो चला गया ना, तो बचा क्या, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स, वो तो कंपनी के पास ही रहेगा ना, तो ये दोनों इन्होंने इंक्लूड कर लिए। एंड सिमिलरली फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में इन्होंने ले लिया फैक्टर इनकम पेड टू रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी जो लोग इंडिया में हैं उनको भी तो हो सकता है पैसा, जब हम बाहर से कमा के ला रहे हैं तो ऐसे यहां पर भी तो हो सकता है कोई फॉरनर, उसको हम यहां पर पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा तो अल्टीमेटली बाहर गया, तो इसलिए जब हम बाहर से कमा के ला रहे हैं उसको हम ऐड कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम में, हम इसको ऐड कर देंगे नेशनल इनकम कंप्यूट करते वक्त, और जो इस तरह से बाहर चला जाएगा इनडायरेक्टली उसको हम माइनस कर देंगे। सिग्निफिकेंस, NFIA इज सिग्निफिकेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज एस्टिमेटेड फर्स्ट,
देन नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम इन द फॉलोइंग मैनर. इसको मत देखना, नीचे देखो डोमेस्टिक. ये जो डोमेस्टिक इनकम है आपकी, इसमें हम NFIA ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम आएगी. यानी नेशनल इनकम में NFIA जुड़ा हुआ है. अगर आपको नेशनल इनकम दी हो क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो डोमेस्टिक निकालनी होगी तो नेचुरली आपको माइनस करना पड़ेगा. यू हैव टू रिड्यूस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना. बाकी क्लास के अंदर हम इसके ऊपर सफिशियंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते ही हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. कोई भी चीज होती है जब फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, उसके बाद तो नहीं हाथ ही ऐसे चलने लगेगा आपको बिल्कुल मक्खन की तरह, दो दूनी चार, तो ना एकदम इतना सिंपल हो जाता है. लेकिन हाँ, अभी अगर आप फर्स्ट टाइम ही रियली इसको पढ़ रहे हैं, बाय द वे स्कूल में अगर अभी तक ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, तो हाँ आपके लिए नई चीज होगी. अदरवाइज इट इज सो ईजी कि हाँ भैया नेशनल इनकम है तो उसमें से डोमेस्टिक पे अगर पहुंचना है तो NFIA माइनस कर दो, डोमेस्टिक है नेशनल में पहुंचना है तो NFIA ऐड कर दो. सो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है हमारी डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. वही चीजें बार बार लिखी हुई हैं. NFIA कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. सोच के देखो, बाहर से मैं बोल रहा हूं ना 100 रुपए कमाया 20 रुपए दिया तो NFIA पॉजिटिव 80, समाया 100 दिया 300 तो माइनस 200, और कमाया भी 100 और दिया भी 100 तो 100 माइनस 100 जीरो. तो NFIA कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो. पॉजिटिव कब होगा? व्हेन अब्रॉड इज मोर, फ्रॉम अब्रॉड इज मोर, जब हमने कमाया ज्यादा है ना, तो नेचुरली ये हमारा पॉजिटिव होगा. और नेगेटिव कब होगा? व्हेन अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज लेस, कमाया कम दिया ज्यादा, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है ना. और व्हेन अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल, कमाया इक्वली है, जितना कमाया उतना ही खर्च दिया, तो ये न्यूट्रल हो गया. न्यूट्रल का कौन सा कलर दूं? चलो यही दे देते हैं, है ना. तो जहां हम बाहर से कमा ज्यादा रहे हैं तो NFIA पॉजिटिव, और अगर हम अर्न फ्रॉम अब्रॉड हमारा कम है तो नेगेटिव, और इक्वल तो फिर जीरो, कुछ ही नहीं. यानी कि अगर ये जीरो वाली सिचुएशन होगी तो डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला बताया हुआ है ना, तो वो सेम हो जाएगा फिर, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. पहला है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज. एक्चुअली अभी हम इसको ब्रॉडली पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूजली ये थ्री कंपोनेंट्स नहीं आएंगे, थियोरिटिकल नेचर के हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए. अब मैं अगर बाहर जॉब करके कुछ कमा के ला रहा हूँ तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय वो मैं लेके आया, कमा के लाया कंट्री के, तो पॉजिटिव हो गया. ऐसे जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको आपने सैलरी दी तो माइनस. अब अगर मेरे जैसे लोग ज़्यादा हैं जो बाहर से कमा के ला रहे हैं, कोई UAE में जॉब कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो नेचुरली ये पॉजिटिव होगा. और अगर हम कमाने तो बाहर कम जा रहे हैं और यहाँ लोगों को ज़्यादा सैलरी बांट रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना. पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट वर्कर्स स्टेइंग और एम्प्लॉयड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर लेस देन ईयर, ये नेगेटिव है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है ना. और इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन ईयर, इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, है ना, डार्क ग्रीन से. अब ये समझ लो आप कि जो बाहर से हम कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर्स लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन वन ईयर, नेचुरली मोर देन वन ईयर होने पे तो हम नॉन रेजिडेंट ही हो जाएंगे. ऐसे नॉन रेजिडेंट वर्कर लेस देन ईयर हैं तभी तो हम उनको नॉन रेजिडेंट मान रहे हैं, नहीं तो फिर तो यहीं के रेजिडेंट्स बन जाएंगे. तो बेसिकली क्या है कि जो हम बाहर से कमा के ला रहे हैं वो माइनस जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरनर्स को दिया है, नॉन रेजिडेंट्स को दिया है, ये अगर पॉजिटिव है तो NFIA पॉजिटिव होगा. इसी तरह से प्रॉपर्टी इनकम, डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. हम अगर ये चीज बाहर से कमा रहे हैं, फॉरनर से हम कमा रहे हैं बाय वे ऑफ रेंट, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, बाय वे ऑफ डिविडेंड, और हम पे भी कर रहे हैं, तो दैट इज सिमिलरली. अगर हमारी कंपनीज हैं बाहर और उसमें हम रिटेन अर्निंग कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग का मतलब पैसा हमारे पास अल्टीमेटली, तो फिर वो रिटेन कर लिया तो इंडिया में आ जाएगा ना. तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज, यानी जो इंडियन कंपनीज है लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है ना. अब ये हो गया पॉजिटिव, और रिटेन अर्निंग्स ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड विद इन इंडिया, ये हो गया नेगेटिव. ऐसे है ये, है ना. तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं,
मेरे ख्याल से रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि मैं पहले आपको अच्छे से पिछली वीडियो में बता चुका हूं तो आपको क्लियर है। तो बेसिकली ये वही चीज को घुमाकर डिटेल में दिया हुआ है। एनएफआई में बेसिकली वही फैक्टर इनकम्स की ही बात है, फैक्टर इनकम वही चार होते हैं। अब सिर्फ फर्क इतना है कि प्रॉफिट की जगह ये रिटेन अर्निंग्स फिगर की बात करें, जो आपने अपने पास उस प्रॉफिट का हिस्सा रिटेन कर लिया, अदरवाइज कंसेप्ट वही है। नाउ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको तीन हिस्सों में दे दिया आप, नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन अर्निंग्स। अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये याद करना है क्या, हल्का सा कर लो या थ्योरी में कहीं लिखना पड़ गया तो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो नहीं आएगा ज्यादा यूज। खैर, नाउ नेट फैक्टर इनकम अगर सपोज 500 है और टू अब्रॉड 300 है, 200 आया आंसर। ये बात कुछ भी नहीं इसमें, ये प्लस माइनस वाला खेल है बच्चों वाला, ये तो 10th के बच्चे को भी समझा दो, उसके लिए भी कह यार यार क्या है। सपोज बाहर से आए 250 और टू अब्रॉड है 620, तो माइनस हो गया ना, ज्यादा है इस बार, टू अब्रॉड इज 620, ये ज्यादा है, रेड है ना। अच्छा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 150, आया कुछ नहीं, तो 0 माइनस 150 माइनस 150। ऐसे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस 150, ये जब समझाने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, भाई आया कुछ नहीं, 0 माइनस माइनस 150, तो ये प्लस 150 हो गया, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको सारा समझाया हुआ है, आप इसको पढ़िए। ngpclasses.com पर ये वीडियोस हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे से फेस टू फेस पढ़ रहे हैं या मेरे वीडियो क्लासेस के सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस नंबर पे मेरे से अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कीजिए। फ्रॉम माय साइड द चैप्टर 2 इज ओवर। ये चैप्टर बेस है चैप्टर 3 का भी, चैप्टर 4 का भी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत थॉरली करने हैं, ध्यान से समझने हैं, तभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए आपका हाथ एकदम मस्त चलेगा। 9599222549, थैंक यू।